हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरीश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग नंबर प्रॉब्लम का पार्ट वन पढ़ चुके हैं, इकाई अंक निकालना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अंत में शून्यों की संख्या निकालना। ठीक है, शून्यों की संख्या निकालना हम लोग पढ़ेंगे अंत में। जैसे दे देता है एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने, इस तरह से मान लीजिए 100 तक। कहता है कि इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। इस सब को जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा उसमें उसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, इसको बनाने से पहले हम लोग यह जान ले कि एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, मान लीजिए 6 तक। तो इसमें कितने दो है, कितने दो है, यह निकालना है। तो देखिए, एक दो यहाँ है, ये चार को लिखेंगे दो का स्क्वायर, तो एगो दो यहाँ है, यहाँ दो गो है, यहाँ पर है ना, दो के पावर एक, दो के पावर दो, ये है दो गुने तीन, तो यहाँ भी एक दो है, तो एक आ दो तीन आ एक चार गो दो। ठीक है, तो यह छोटा है तो इस तरह से निकाल लिए कि चार गो दो है, लेकिन अगर निकालेंगे कि कितने दो है तो इस तरह से इसको भाग लगाएंगे। ठीक है, तो दो से लगेगा तीन बार में, फिर दो से लगेगा एक बार में। अब इसमें एक में तो दो से लगेगा नहीं, दो है इसीलिए दो से भाग दिए कि कै गो दो निकालना है, इसके लिए दो से भाग दिए। तो कै गो दो है, पूरा इसको छोड़ के बाकी जो भी नीचे आएगा उस सबको जोड़ दीजिए, तो तीन आ एक चार, चार गो दो है, ऐसे भी देख लिए कि चार गो दो है। अगर पूछता कि एक से लेकर 6 तक में तीन कितना है, तीन कितना है, तो इसमें कितना से भाग देते, तीन से, तीन दूना 6। अब तो इसमें लगेगा नहीं दो में, तो बस दो गो तीन है, तो एक यहाँ तीन है, एक यहाँ तीन है, तो दो गो तीन है ना। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए इसी तरह से ही रहता, एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने छः गुने, इस तरह से 10 तक। इसमें पूछता कि दो कितना है, दो कै गो है, तो देखिए एक यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ यहाँ दो गो दो है, एगो दो यहाँ आ गया, यहाँ पर दो का स्क्वायर तो दो गो दो है, यहाँ पर दो गुने तीन लिखते तो एगो दो यहाँ भी है, फिर आठ में आता दो, सात गुने आठ, तो आठ में तो दो के क्यू होता ही, तो यहाँ तीन गो दो है, एक 10 में है दो। ठीक है, तो कितना दो हुआ, एक आ दो तीन, आ एक चार, आ तीन सात, आ एक आठ गो दो है। अब इसको निकालेंगे अगर तो किस तरह से निकलेगा, आठ गो आता है कि नहीं देख लेते हैं, तो दो से भाग देंगे तो पाँच बार में, दस पाँच बार में लगेगा ना, दो से भाग देंगे तो दो बार में, शेष क्या बचेगा उससे मतलब नहीं है। दो से भाग दिए पाँच में तो एक शेष बचेगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो बार में लगेगा ना। अब दो से देंगे तो एक बार में लगेगा, अब इस सब को जोड़ दीजिए तो पाँच आ दो सात आ एक आठ, तो दो कितना है, एक से 10 तक में 8 गो दो है। अगर पूछता कि एक से 10 तक में पाँच कितना है, तो एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, लेकिन जब निकालेंगे तो पाँच का एगो आएगा, तो पाँच से भाग देंगे तो पाँच दूना 10, अब तो दो में लगेगा नहीं पाँच से, तो कै गो दो है, सॉरी कै गो पाँच है, दो गो पाँच है। ठीक है, पूछता कि तीन कै गो है, एक से 10 तक में तीन कितना है, तो 10 में तीन से भाग देते तो तीन बार में लगेगा, फिर तीन से लगेगा एक बार में, तो तीन आ एक चार गो तीन है, एगो यहाँ तीन है, एगो यहाँ तीन है, फिर नौ में आएगा एगो, नौ में आएगा तीन का स्क्वायर, तो दो गो तीन, तो एक आ दो, एक दो आ दो, चार गो तीन आ गया। समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम इस तरह से जान गए कि कितने दो है और कितने पाँच है, यह निकालना। अब एक से 100 तक है तो इसमें दो कितना है, तो दो से भाग देंगे तो 50 बार में, फिर दो से भाग देंगे तो 25 बार में, फिर दो से भाग देंगे तो 12 बार में, दो से भाग देंगे तो 6 बार में, फिर दो से भाग देंगे तो 3 बार में, फिर दो से भाग देंगे तो 1 बार में। अब तो एक में दो से लगेगा नहीं, अब इस सब को जोड़ दीजिए उतना दो है, तो 50 आ 25 75 आ 12, 75 आ 12 87, 87 आ 6,
तिरानवे तिरानवे या तीन, तिरानवे या तीन, छियानवे छियानवे एक, संतानवे संतानवे गो दो है, एक से सौ तक में संतानवे गो दो है। अब पाँच कितना है, एक से सौ तक में कितने पाँच है, तो सौ में भाग देंगे पाँच से तब बीस, फिर पाँच से तो चार, अब तो चार में पाँच से लगेगा नहीं, तब बीस आ चार चौबीस गो पाँच है, ठीक है, कितने पाँच है चौबीस गो पाँच है। अब यह क्यों नहीं आपको सिखलाए हैं यह निकालना, इसकी वजह है, अब देखिए हम लिखते हैं दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने पाँच, अभी सब को गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा अंत में, तो दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, सोलह पचे अस्सी, अस्सी में एगो जीरो आया, ठीक है, दो गुने पाँच गुने पाँच गुने पाँच गुने पाँच गुने पाँच कर दिए, मान लीजिए इतना ही है। अब इसके अंत में कै गो जीरो आएगा, तो दो दुना चार, चार पचे, चार पचे बीस, बीस पचे सौ, सौ पचे पाँच सौ, पाँच सौ पचे पच्चीस सौ, तो कै गो आएगा दो गो, ठीक है, दो गो जीरो आया, इसमें एगो पाँच था तो एगो जीरो आया, आ इसमें दो गो दो है तो दो गो जीरो आया। हम जानते हैं कि जीरो लाने के लिए दो और पाँच का होना ज़रूरी है, कि जीरो कब आएगा जब दो और पाँच होगा, तो अगर पाँच कम है तो उतना ही जीरो आएगा जय गो पाँच रहेगा, दो कम है तो उतना ही जीरो आएगा जय गो दो रहेगा। तो हम यहाँ से यह सीखते हैं कि जिसकी संख्या कम हो, दो और पाँच में जिसकी संख्या कम हो उतना ही अंत में जीरो आएगा, क्लियर है, कि चार गो दो ले लिया एक गो पाँच तो एक गो जीरो आया, और चार गो पाँच ले लिया दो गो दो तो दो गो जीरो आया, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ सीखे कि दो और पाँच में से जो कम रहेगा उतना ही जीरो आएगा, ठीक है, जय गो दो रहेगा या जय गो पाँच रहेगा, दोनों में जिसकी संख्या कम होगी अंत में जीरो की संख्या उतनी ही होगी। अब दो के क्यू कर दिए, अब पाँच का स्क्वायर, अब चार के पावर दो कर दिए, ठीक है, तो दो के क्यू अगुने पाँच का स्क्वायर अगुने चार को लिखेंगे दो का स्क्वायर, पहले से दो है, हाँ चार कर दीजिए, मान लीजिए इसके पावर चार है, तो दो के क्यू गुने पाँच के पावर चार और गुने दो के पावर चार, तो दो आ गया है। यहाँ पर देखिए जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है, तो चार आते सात गो दो आया, और पाँच का गो आया चार गो। अब आप बताइए कि दोनों को जब गुना करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, अंत में जीरो की संख्या चार होगी, चूँकि दो ज़्यादा है और पाँच कम है, पाँच है चार गो और दो है सात गो, तो दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी अंत में जीरो की संख्या उतनी ही होगी, तो कै गो जीरो आएगा इस सब को गुना करेंगे तो चार गो, ठीक है। तो आप सीख गए कि दो और पाँच में से जिसकी संख्या कम होगी अंत में जीरो की संख्या उतनी ही होगी। अब बताइए कि एक से सौ तक में हर एक सम संख्या में दो है, और चार में तो दो गो दो है, फिर आठ आएगा तो तीन गो दो है, सोलह आएगा तो चार गो दो है, लेकिन पाँच आएगा एक बार यहाँ तो फिर एक बार दस में तो एक बार पंद्रह में, तो किसकी संख्या कम होगी, दो के कि पाँच की, दो की संख्या कम होगी कि पाँच की संख्या कम होगी, तो स्वाभाविक है कि पाँच की संख्या कम होगी, पाँच यहाँ आता है और दो तो यहाँ तक, इसमें दो गो आई एगो, तीन गो दो आ गया, एक बार पाँच एगो यहाँ आया, तो किसकी संख्या कम होगी, पाँच की। तो एक से सौ तक में पाँच की संख्या कितनी है, तो पाँच से भाग दिए तब बीस, पाँच से भाग दिए तो चार, तब बीस आ चार चौबीस गो पाँच आएगा। अब बताइए कि सबको गुना करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, तो चौबीस गो होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई कि जीरो की संख्या कितनी होगी, चौबीस गो होगी, मिटा दे। अब है प्रश्न कि एक गुने तीन गुने पाँच गुने सात गुने इस तरह से निन्यानवे, ठीक है, एक से, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि एक से सौ तक में सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का, गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, एक से सौ तक में सभी विषम संख्याओं के
गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है। अब देखिए, इस सब विषम संख्या तक क्या इसमें दो कभी आएगा? दो आएगा कभी नहीं ना, पाँच आएगा, पाँच आएगा, पाँच में, पंद्रह में, पच्चीस में ना, लेकिन दो तो कभी नहीं आएगा। अब दो नहीं आएगा, अब हम जानते हैं कि जीरो के लिए दो और पाँच दोनों की आवश्यकता होती है, तो क्या इसके अंत में एक भी जीरो होगा? तो एक भी जीरो नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, मिटाएं। चलिए अब लेते हैं दो चार छः आठ दस इस तरह से सौ तक, इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, इसमें दो तो बहुत है, दो की संख्या तो बहुत है, पाँच की संख्या दस में आएगी, बीस में आएगी। पहले आता था जब एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने इस तरह से लेते थे, तो पाँच आता था पाँच के जगह पर, फिर दस में आएगा, फिर पंद्रह में, लेकिन इसमें क्या है, एक बार दस में आएगा तो अगला बीस में आएगा, तो हर एक ही विषम वाला जो पाँच है, पंद्रह वाला पाँच घट जाएगा ना, तो इसमें पाँच की संख्या एक बार यहाँ है तो एक बार बीस में होगा, मतलब ये कई गो बीच करके है। तो जब लगातार था, जब लगातार सौ तक होता तो पाँच कई गो आता, तो पाँच से तो बीस, पाँच से तो चार, तो बीस आ चार चौबीस गो आता, लेकिन लगातार तो है नहीं, हर एक दूसरा पाँच जो है ये पाँच वाला, इसमें पाँच गायब है, फिर पंद्रह वाला पाँच गायब है, तो एक आधा जीरो होगा, तो कै गो जीरो होगा इससे, बारह गो। ठीक है, मिटा दे, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब प्रश्न लेते हैं कि पूछ रहा है कि पाँच के पावर पाँच, बीस के पावर बीस, पैंतालीस के पावर पैंतालीस और आठ के पावर आठ के अंतिम में शून्यों की संख्या क्या होगी, के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो देखिए, हम निकालते हैं तो यहाँ पाँच है, ये बीस को लिखेंगे, दो के स्क्वायर गुने पाँच, दो के स्क्वायर चार, और पचे बीस, ये जो बीस है इस पर भी जाएगा पावर, इस पर भी जाएगा। 45 को लिखेंगे तीन के स्क्वायर गुने पाँच, नौ, तीन के स्क्वायर नौ पचे पैंतालीस, ये 45 जो है इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा। आठ को लिखेंगे दो का क्यू आ आठ, तो ये पाँच के पावर पाँच, आई हो जाएगा दो के पावर बीस, दो ना चालीस, आई पाँच के पावर बीस, आई तीन वाला को तो शामिल नहीं करना है, जब इसके अंत में जीरो की संख्या पूछ रहा है, जीरो के लिए दो या पाँच जरूरी है, तो इसको छोड़ दीजिए, पाँच के पावर पैंतालीस और दो के पावर चौबीस। अब देख लीजिए कि दो कै गो है, तो चालीस और चौबीस चौंसठ गो, अब पाँच कितना है, तो पाँच और बीस पच्चीस और पैंतालीस, पच्चीस और पैंतालीस कितना हुआ, पच्चीस और पाँच, पच्चीस और पाँच तीस, तीस और चालीस सत्तर गो। अब बताइए किसकी संख्या कम है, दो की है कि पाँच की, तो दो की संख्या कम है, और कै गो है, तो दो कै गो है, तो चौंसठ गो, तो चौंसठ गो जीरो होगा इसके अंत में, कितना जीरो होगा, चौंसठ जीरो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए एक और प्रश्न है, मिटा दे, प्रश्न है दो के पावर 222, तीन के पावर 333, चार के पावर 444, पाँच के पावर 555। पूछ रहा है इसमें के अंत में जीरो की संख्या क्या होगी। तो देखिए, तीन वाला से तो हमको मतलब है नहीं, जीरो के लिए अंत में जीरो के लिए तीन से तो मतलब है नहीं, तो दो के पावर 222, आ चार को लिखेंगे दो के स्क्वायर और गुने 444, आ पाँच को लिखेंगे पाँच के पावर 555 है। ठीक है, तो 444 दूना 888 को दो, तो इसी में आ गया, तो संख्या किसकी कम है, पाँच की, आ पाँच की संख्या कै गो है, तो पाँच, पाँच की संख्या है 555 गो, तो जीरो अंत में कितना आएगा, 555। ठीक है,
ये सब टफ प्रश्न नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न है, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब है एक प्रश्न है, देखिए 10^1 × 10^2 × 10^3 × 10^10। अब पूछ रहा है के अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, के अंत में जीरो की संख्या क्या होगी। तो समझिए, इसमें एगो जीरो है आ इसमें दो गो जीरो है आ इसमें तीन गो जीरो आ इसी तरह से ये 10 गो जीरो है। अब जितना इसका योग आएगा, जितना इसका योग आएगा उतना ही जीरो ना होगा क्या? इसमें एगो जीरो है, इस दोनों को गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 10^2 100 × 10 तो 1000, तो 3 गो जीरो आएगा। इसको भी गुना करेंगे तो एक पर 6 गो शून्य आ जाएगा, ये 3 गो आई 3 गो तो 6 गो शून्य आ जाएगा, तो 6 गो जीरो है तो 3 × 2 = 5 आएगा, 6 गो ना है। इसी तरह से इसको 1 से 10 तक जोड़ देंगे उतना ही जीरो ना आएगा। होता है 1 से 10 तक का योग निकालना है तो होता है लगातार प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 10 तक है, तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n × n+1/2। तो n के मान कितना है 10, 10 वो संख्या है तो 10 आ 10 आ 10 है 1 × 11/2 × 2 तो 2 से कट गया 5 बेर में, तो 11 × 5 = 55 गो जीरो आ जाएगा। ठीक है, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n+1/2, 10 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग बराबर 10 × 10 = 11/2, कट गया तो 55 गो आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत प्यारा प्रश्न है। 1^1 2^2 3^4 5 6^5 इस तरह से है यह 100^100। ठीक है, अच्छा हम इसको और थोड़ा सा, प्रश्न तो इतना ही तक था लेकिन हम क्या करते हैं कि आगे 25^25 होगा, फिर इसी तरह से आगे 50^50 होगा, फिर आगे 75^75 होगा, फिर आगे 100^100 तो है ही, इसी तरह ना होगा। अब देखिए इसमें समझना है कि 2 कम होगा कि 5 कम होगा, तो 5 स्वाभाविक है 5 कम होगा, 2 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें भी है, हर सम संख्या में 2 है, लेकिन 5 तो एक बार यहाँ है, फिर आ जाएगा 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, फिर 25 में। लेकिन यहाँ पर समझना यह है कि देखिए 25 को हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर और गुने ही 25, तो यहाँ पर 5 जो है 25 गो न रह के कै गो हो गया 50 गो। ठीक है, फिर 50 में जाएंगे अर्थात ये जो है 5 × 5 25 को लिखेंगे, 25 को 5 × 5 आई 25 जो है ये 25 दोनों पर चढ़ जाएगा, यहाँ भी 25 × 2 है तो 2 आई 50 जो है पावर दोनों पर जाएगा, 50 को 25 × 2 लिखेंगे ना आई 50 जो है पावर दोनों पर जाएगा ना। अब देखिए फिर यहाँ पर इसको लिखेंगे 5 × 5 आई 50 जो है इस पर भी पावर जाएगा, तो यहाँ एगो 25 था पावर में, एगो 25 था लेकिन 2 गो आ गया, 50 वो हो गया, ये एगो 50 था, 50^50 था लेकिन यहाँ 2 गो 50 आ गया। इसी तरह से 75 को लिखेंगे 25 × 3 आई जो 75 है वो दोनों पर जाएगा, तो फिर इसको लिखेंगे 5 × 5 आई 75 इस पर भी रहेगा और इस पर भी रहेगा 75, और जीरो निकालने के लिए 3 की तो आवश्यकता ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब देखिए 100 को लिखेंगे 25 × 4 तो 25 को फिर लिखेंगे 5 × 5 4 मतलब 2 × 2 तो 2 तो लेना ही नहीं है, 5 वाला हमको काउंट करना है, ये जो 100 है ये दोनों पर जाएगा, तो ये 100 ये 5^100 ये 5^100 तो यहाँ 100^100 था लेकिन जब 5 के रूप में उसको देखे तो 2 गो 100 आ गया। ठीक है, अब समझिए ये 5^5 फिर 10^10 10 5^5
पाँच के पावर पाँच है तो इसमें पाँच गो पाँच है, और जय गो पाँच होगा उतने ना जीरो होगा, और दस के पावर दस तो दस के पावर अगर दस लेते हैं, दस के पावर दस तो दस को लिखेंगे दो गुने पाँच, ये दोनों पर जाएगा तो यहाँ पर दस गो ना दस है, अति पाँच कै गो है, दस गो है क्या, इसमें पाँच जो आ गया दस गो आ गया। फिर पंद्रह के पावर पंद्रह में पंद्रह गो पाँच आएगा, फिर बीस के पावर बीस में बीस गो पाँच आएगा, इस तरह से ये आ जाएगा सौ, अंतिम में कितना आएगा सौ। लेकिन हम यहाँ छोड़े क्या, पच्चीस तो एक बार लिए हैं, पचास भी इसमें एक बार आएगा, पचहत्तर भी इसमें एक बार आएगा, सौ में भी एक बार आया है, तो इसमें और क्या जोड़ना है, तो जोड़ना है हम लोग को ई पच्चीस, ई पच्चीस, ई पचास, ई पचहत्तर, ई सौ, ई जोड़ना है, तो इतना और पाँच होगा, तो पच्चीस आ पचास, पचहत्तर आ पचहत्तर, डेढ़ सौ आ एक सौ, अढ़ाई सौ, अढ़ाई सौ पाँच और जोड़ना है। अब देखिए जब आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तो इसका योग कैसे निकाला जाता है हम बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि जब अंतर समान हो, इसमें पाँच का अंतर, इसमें पाँच का अंतर, इसमें पाँच का अंतर, तो जब सभी पदों में अंतर समान हो तो योग बराबर होता है a प्लस जेड बाई टू गुने जेड माइनस ए माइनस अंतर बटा अंतर, ठीक है। ए का मतलब प्रथम संख्या, जेड का मतलब अंतिम संख्या, ई 250 तो अलग है, ई ना सीरीज के रूप में पाँच के अंतर पर सौ तक ना, वो तो 250 ई ई 25 ई 50 ई 75 वो सौ जोड़ के आया है, तो ए का मान पाँच आ प्लस जेड का मान सौ, तो सौ आ पाँच 105 बटा दू आ गुने जेड तो सौ आ माइनस सौ माइनस आ ए का मान तो पाँच अंतर कितना के पाँच के, तो ए का मान पाँच आ पाँच में से पाँच गया तो जीरो आ बटा में ही अंतर, तो अंतर तो पाँच का है, अंतर पाँच का ना है, इसमें और क्या जुट जाएगा 250 ई वाला 250 जुट जाएगा, और अब इसको सॉल्व कीजिए उतना ही जीरो आएगा, तो आ जाएगा 105 बटा दू गुने सौ में से जीरो गया सौ, सौ बटा पाँच, ये पाँच रहेगा ना, अब प्लस 250, पाँच दूना दस से जीरो कट गया, तो ये 1050 आ गया, 1050 में 250 जोड़ेंगे तो 10 दू 1200 100 आएगा 1300, तो इस तरह से इसमें पाँच कै गो है तो 1305 है, 1305 तो जीरो कै गो होगा तो 1300 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिए। देखिए अब है प्रश्न कि मान लीजिए आपको दे दिया कि फैक्टोरियल 151, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 151 को, इसका मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने पाँच गुने इस तरह से अंतिम में 151, ठीक है, तो इसमें दो तो इसमें भी है, इसमें भी है, छः में भी आएगा, आठ में भी आएगा, तो कम कौन होगा, तो पाँच कम होगा, तो कै गो पाँच होगा, तो पाँच यहाँ आएगा, तो पाँच कै गो होगा 151 तक, वह निकालने के लिए अभी अभी इस पहला प्रश्न हम इसी टाइप का पढ़े हैं एक से लेकर सौ तक में, तो वही तो है, उसी टाइप का तो है। अब अभी प्रश्न आपको इससे पहले बतलाए हैं कि एक गुने दो गुने तीन गुने इस तरह से सौ तक, इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते थे, फैक्टोरियल सौ लिख सकते थे ना, अब फैक्टोरियल सौ का मतलब यही होता है, तो इसको जिस तरह से बनाए थे वही तो ये भी तो इसी तरह बनेगा, तो इसमें कै गो पाँच है यह निकालना है, तो पाँच से भाग देंगे तो पाँच तीन पंद्रह तीस पच्चीस डेढ़ सौ, तो तीस आ गया, पाँच से भाग देंगे तो छः, पाँच से भाग देंगे तो एक, अभी सब को जोड़ दीजिए उतना ही जी पाँच आएगा, उतना पाँच आएगा तो जीरो भी उतना ही होगा, तो तीस आ छः छत्तीस आ एक सैंतीस, तो कै गो पाँच आएगा सैंतीस होगा, सैंतीस गो पाँच आएगा तो जीरो कै गो होगा, तो सैंतीस गो, मिटा दें। आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बार बार यही बोलते हैं कि लगातार लगे रहिएगा तो कहीं ना कहीं सेट हो जाइएगा, छोड़ दीजिएगा तो फिर दिक्कत है, पढ़ाई को छोड़िए नहीं। अब कह रहा है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इससे पहले वाले वीडियो में भी बतलाए हैं कि अभाज्य संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से नहीं कटे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 9 भी है क्या? नहीं, 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो एक से कट ही रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। जबकि अभाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और स्वयं से केवल कटे, ये तो 3 से भी कट रहा है ना। 2 को देखिए, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, वो तो किसी से नहीं कट रहा है। 3 को देखिए, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है ना। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं को छोड़कर और किसी से न कटे। इस तरह से सभी अभाज्य संख्या अगर ले भी लेते हैं, ठीक है, सभी अभाज्य संख्या ले लिए, अब है कि इसमें देखिए तू 2 कै गो आएगा, तो 2 तो 1 के गो आएगा। कह रहा है कि सबके गुणनफल के अंत में 0 की संख्या क्या होगी, तो 2 तो 1 के गो आएगा ना। अब आगे कोई तो सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, कोई होगी। अब 6 लेते हैं तो 6 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 अभाज्य संख्या है नहीं ना। तो आगे कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी मतलब 2 1 के गो आएगा, और 1 गो 2 गो 2 आएगा तो 0 कै गो होगा, 1 गो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट प्रश्न है, मान लीजिए कहता कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अंत में 0 की संख्या क्या होगी। तो ये सब विषम अभाज्य संख्या है, सभी विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल के अंत में 0 की संख्या क्या होगी। तो इसमें 2 आएगा, 2 तो सम संख्या है ना। जब 2 ही नहीं आएगा तो एगो खाली 5 रह के 0 ला पाएगा नहीं ना, तब आंसर क्या हो जाएगा, 1 भी 0 नहीं होगा, 1 भी 0 नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मिटा दे। इस तरह से आप सीखें, अब बना लीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से, तो आप सीख गए कि अंत में 0 की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।